मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में एक बार फिर से फिल्मी गानों पर डांस वीडियो और रील्स बनाने पर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में लड़कियां मंदिर परिसर और गर्भगृह में बॉलीवुड गानों पर डांस वीडियो और रील्स बनाती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो के सामने आने के बाद मंदिर के पुजारियों ने इस पर आपत्ति जताई है और चेतावनी दी है कि इस तरह के वीडियो बनाने वालों पर मंदिर प्रबंधन समिति और प्रशासन सख्त कार्रवाई करे। विवाद बढ़ने के बाद इन वीडियो में नजर आने वाली युवतियों में से एक युवती सामने भी आई है, जिसने अपनी सफाई दी है। हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर एंड मोटर्स, प्रोप्राइडर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। वहीं अब इस मामले को प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी संज्ञान लिया है। मीडिया से बात करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि मेरी उन बच्चियों से विनम्र प्रार्थना है कि वे ऐसे वीडियो बनाने के लिए पवित्र स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान का चयन कर सकती हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि इस तरह की कोई हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरा पहले तो उन बच्चियों से विनम्र प्रार्थना है, वीडियो बनाने के और भी स्थान हो सकते हैं, कुछ पवित्र स्थानों को छोड़ें। और हम पहले भी कह चुके हैं कि इस तरह की कोई भी घटना या स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी, न धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ किसी को करने दिया जाएगा। मैंने कलेक्टर एसपी को बोला है, महाकाल मंदिर का जो प्रशासन है उसकी ओर से अभी रिपोर्ट नहीं आई है, क्योंकि प्रथम दृष्टया जो वीडियो देखने में आ रहा है वो 6 माह से ज़्यादा पुराना प्रतीत हो रहा है। बता दें कि इससे पहले भी मध्य प्रदेश के छतरपुर के लपकुश नगर से एक युवती का मंदिर परिसर में अश्लील गाने पर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद ऐसा करने वाली युवती के ऊपर पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।